भारत और बांग्लादेश के बीच बुधवार को एडिलेड ओवल के इसी मैदान पर खेला जाएगा बहुत अहम मुकाबला। और मुकाबले से पहले बांग्लादेश के कप्तान शाकिब अल हसन ने दिया है बहुत बड़ा बयान। शाकिब अल हसन ने कहा है कि भारतीय टीम वर्ल्ड कप जीतने आई है, हम वर्ल्ड कप जीतने नहीं आए हैं। बांग्लादेश के कप्तान की रणनीति क्या है इस बयान के पीछे? क्या वो माइंड गेम खेल रहे हैं या फिर भारत को बड़ी टीम और ताकतवर टीम बताकर अपने ऊपर से दबाव हटा रहे हैं? जो भी हो, लेकिन भारतीय टीम के लिए ये मुकाबला जीतना बहुत जरूरी है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मुकाबले में कई कमियां रही थी, उनको सुधारना होगा। बहुत ज्यादा वक्त भारतीय टीम के पास नहीं है। ओपनिंग जोड़ी एक बड़ा कंसर्न बन गई है क्योंकि केएल राहुल का बल्ला नहीं चल रहा है। टीम मैनेजमेंट क्या कॉल लेगा इस पर अभी इंतजार करना होगा। लेकिन अर्शदीप सिंह ने बढ़िया गेंदबाजी की है, फील्डिंग में कुछ कमजोरी थी उनको दूर करना होगा। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि रोहित शर्मा की टीम यहीं पर मुकाबले को जीतकर बांग्लादेश के खिलाफ एक बड़ी जीत दर्ज करके अपनी अथॉरिटी जताएगी, अपना टेम्पलेट दिखाएगी। एक एग्रेशन जो टीम इंडिया का, जिसके लिए टीम जानी जाती है, वो दिखाएगी और 6 पॉइंट लेगी। क्योंकि याद रहे, दक्षिण अफ्रीका और पाकिस्तान का मुकाबला खेला जाना है 3 तारीख को सिडनी में। वो भी बहुत अहम होगा इस लिहाज से कि ग्रुप में कौन कहां पर होगा। भारत के अभी 2 मुकाबले बचे हैं, जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलना है 6 तारीख को मेलबर्न में। लेकिन पहली प्राथमिकता, प्रायोरिटी यही है कि यहां पर जीतकर 2 पॉइंट बांग्लादेश को हराकर लिए जाए और पॉइंट्स टेबल में अपनी स्थिति को बेहतर किया जाए और 6 पॉइंट कर लिए जाए। तो बांग्लादेश क्या चुनौती साबित होगी, हम सब जानते हैं। बांग्लादेश अच्छा क्रिकेट खेलता है, ऑस्ट्रेलिया को हरा चुका है, बड़ी टीमों को हरा चुका है। इसलिए बांग्लादेश के खिलाफ भी हम कह सकते हैं कि भारतीय टीम को कदम संभाल कर ही रखने होंगे। अपडेट्स आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। कैमरामैन मुकेश सांकला के साथ एडिलेड ओवल से जी न्यूज़ के लिए मैं कपिल वशिष्ठ।